जयपुर की कुछ खास खबरों की ओर रुख करेंगे। बता दें अब तक की खास खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित निबंधित पुनर्वास क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने किया दौरा। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित मानसिक निबंधित पुनर्वास केंद्र में निवासरत बच्चों के बीमार होने एवं मृत्यु के संबंध में जाँच हेतु मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि बड़ी स्थित नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित इस पुनर्वास केंद्र में निवासरत 49 बच्चों में से 7 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत होने पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 बच्चों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिनकी उम्र 16 से 17 वर्ष बताई जा रही है। 5 बच्चों में से 1 बच्चा अभी भी आईसीयू में भर्ती है, बाकी 4 बच्चे वार्ड में इलाजरत हैं। डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की जाँच हेतु बच्चों को खिलाई जा रही खाद्य सामग्री तथा चावल दाल इत्यादि का सैंपल लिया गया है। पूछताछ के दौरान संचालकों ने बताया कि परोपकार के उद्देश्य से बाहर से आने वाले लोगों द्वारा पका हुआ भोजन बच्चों को खिलाया जाता है, जिससे भी फूड पॉइजनिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में जो है, उसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ बच्चे आज भर्ती हुए हैं, एक बच्चा कल भर्ती हुआ था, एक बच्चा 18 तारीख को भर्ती हुआ था, जो सीपी का केस था उसके 19 को डेथ हो गई, एक बच्चा कल 20 को भर्ती हुआ था जिसकी आज सुबह डेथ हो गई है, और 5 बच्चे आज भर्ती हुए हैं जिसमें एक बच्चा आईसीयू में है और 4 बच्चे वार्ड में हैं। ये सारे बच्चे उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर भर्ती हुए हैं। मैंने अभी अस्पताल का निरीक्षण किया है, इन सारे बच्चे भर्ती होने के बाद से उनकी स्थिति में लगातार सुधार है और लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। और अभी हम लोग यहाँ नारायण सेवा संस्थान का जो परिसर है यहाँ देखने आए हैं, यहाँ भी बच्चों से मिले हैं, यहाँ लगभग 200 के आसपास बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के भर्ती हैं।